बनाना चिप्स तो आपने पूरे इंडिया में बहुत जगह ट्राई किए होंगे, या कभी आपने सोचा इनको केरला के ऑथेंटिक तरीके से कैसे तैयार किया जाता है? नहीं देखा तो आज मैं आपको लेकर आ गया केरला के कोची शहर में, जहाँ पर जंबो साइज के बनानों को लेकर उनसे गोल्ड कॉइन जैसे बनाना चिप्स को तैयार किया जाता है। इनके चिप्स यहाँ से पूरे केरला में भेजे जाते हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ केरला में बनाना चिप्स को कैसे तैयार किया जाता है। केलों का साइज देख सकते हो भाई, जंबो साइज के केले है भाई। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे बनाना यहाँ पे स्टोर कर लिए गए थे, अब इनको उठा के यहाँ पे शॉप पे ले जाया जा रहा है और उनको यहाँ पे अच्छे से कट करने के बाद यहाँ पे लगाया जाएगा। अब एक एक करके देख सकते हो बनाना को यहाँ पे कट किया जा रहा है और यहाँ पे रखा जा रहा है। उसके बाद इनको अच्छे से यहाँ पे छीला जाएगा, यहाँ पे इनका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इनको यहाँ पे अच्छे से छीला जाएगा, तो एक एक करके बनानास को देख सकते हो यहाँ पे अलग कर दिया गया है और उसके बाद टोकरी में इसको छील के यहाँ पे डाला जा रहा है। तो साइज देख सकते हो भाई वहाँ पे बनाना का बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो बनानास को देख सकते हो अच्छे से छील लिया गया है, इसको यहाँ पे पानी में डाला जा रहा है, पानी में इसकी अच्छे से यहाँ पे सफाई की जाएगी। केलों की सफाई देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे हो चुकी है और पूरा कंटेनर देख सकते हो यहाँ पे भर चुका है और केलों को अच्छे से पानी में साफ करने के बाद अलग से कंटेनर में यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो बड़ी सी कढ़ाई में देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले कोकोनट ऑयल डाला जा रहा है और इसी में हमारे यहाँ पे बनाना चिप्स को रेडी किया जाएगा। तो हमारे बनाना चिप्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हैं और देख सकते हो एक साथ छह छह केले ले लिए गए हैं और छह केले देख सकते हो एक साथ यहाँ पे डाले जा रहे हैं और अच्छे से देख सकते हो इनको क्रश करके यहाँ पे कढ़ाई में डाला जा रहा है। आपने बनाना चिप्स बनते तो बहुत जगह देखे होंगे बट ऐसे केरला स्टाइल में देख सकते हो यहाँ पे पहली बार आपको दिखा रहा हूँ लाइव यहाँ पे कैसे तैयार किया जाता है। दो लोग देख सकते हो मिलकर यहाँ पे कितने सारे केले लेके एक साथ बना रहे हैं, तो ये कलाकारी है केरला के देख सकते हो वर्कर्स की और देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे इनका स्टाइल जो है केले के चिप्स लगाने का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे बनाना चिप्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं, अब इनको कोकोनट ऑयल में अच्छे से यहाँ पे पकाया जा रहा है और 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको रेडी करने में। तो वैसे तो केले के चिप्स का टेस्ट अपना अलग ही होता है बट हल्का सा इसमें नमक मिलाना पड़ता है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आता है। तो हमारे 24 कैरेट गोल्ड वाले देख सकते हो यहाँ पे बनाना चिप्स रेडी किए जा रहे हैं और देख सकते हो कितने बढ़िया क्वालिटी के हैं और टेस्ट भी इनका बहुत ही लाजवाब रहता है। तो जैसे कि सोने के सिक्कों की खनखन होती है वैसे ही देख सकते हो आपको यहाँ पे आवाज आ रही होगी और कैसे उछाल उछाल के देख सकते हो यहाँ पे इसको रेडी किया जा रहा है। तो फाइनली देख सकते हो 5 से 7 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और बनाना देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो गर्मा गर्म देख सकते हो हमारे बनाना चिप्स यहाँ पे निकल के रेडी हो चुके हैं और खुशबू जो है इनसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो केले की चिप्स देख सकते हो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, फ्राई होने के बाद बड़े से कंटेनर में इसको लाया जा रहा है और लाने के बाद यहाँ पे रखा जाएगा। अब इसको यहाँ पे ठंडा करने के लिए 10 मिनट छोड़ा जाएगा। बनाना चिप्स यहाँ पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे देख सकते हो कंटेनर में यहाँ पे डाला जा रहा है। इतनी ज्यादा बल्क क्वांटिटी में पूरा दिन ऐसे ही यहाँ पे काम चलता रहता है, एकदम गर्मा गर्म देख सकते हो बनाना चिप्स हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो भाई देख सकते हो 24 कैरेट गोल्ड वाले देख सकते हो पूरे बनाना चिप्स यहाँ पे भर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे बनाना चिप्स गर्मा गर्म रेडी हो चुके हैं। अब इसको यहाँ पे ठंडा करने के बाद इसकी पैकिंग की जा रही है। तो भैया पैकिंग कितने साइज की रहती है इसकी? 500 ग्राम। 500 ग्राम, तो 500 ग्राम की इसकी पैकिंग रहती है और प्राइस कितना रहता है इसका? 190। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पे? बाहर से भी आता है। बाहर से भी आता है? हाँ, इतना फेमस है, एक बार इधर से खाएगा तो फिर भी आएगा 100%। कितना टाइम खराब नहीं होता है? शेल्फ लाइफ कितना रहता है? 6 मंथ्स। हम लोग अभी बोलता है पैकिंग करके 1 महीना रहेगा, बराबर 1 महीना रहेगा, ये नहीं खोलेगा तो 1 महीने का ऊपर रहेगा। तो भाई देख सकते कितने सारे पैकेट यहाँ पे पैक कर दिए, आधा आधा किलो की पैकिंग रहती है। स्वीट पोटैटो, ये बीटरूट था, ये अरबी है, ये करेला है, करेले का जूस भी रहता है, चीट बनाना है। तो फाइनली देख सकते हो केरला के फेमस बनाना चिप्स यहाँ पे लग के रेडी हो चुके हैं और मैंने देख सकते यहाँ पे बनाना चिप्स ले लिए। थिकनेस देख सकते हो कितने पतले चिप्स है और क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और एकदम फ्रेश बनाना चिप्स यहाँ पे बन के आ गए हैं। तो बाकी जगह के मुकाबले देखते हैं केरला के बनाना चिप्स इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। तो भाई इनके बनाने चिप्स खा के मजा ही आ गया, एकदम फ्रेश है, हल्की सी कोकोनट की खुशबू आ रही है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो फ्रेशनेस एकदम बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही क्रिस्पी से है। शॉप की टाइमिंग मॉर्निंग से इतना 8:30 को खोलता है, रात को 10 बजे को बंद करता है। और हफ्ते में कितना दिन खुला रहता है दुकान? हाँ, पूरा दिन, संडे भी छुट्टी नहीं है। अच्छा, डेली ओपन है? डेली ओपन, कभी भी आ सकते हैं? हाँ, कभी भी आ सकते हैं। और एड्रेस बता दीजिए, केरला में कहाँ लगाते हो? वारवुगड़ा, YMCA जंक्शन, अमन गोविल रोड, इधर का शॉप नेम? शॉप नेम वारवुगड़ा। अगर आपको भी बढ़िया से बनाना चिप्स खाने तो यहाँ पे आके आप ऑर्डर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, 9747699144। ऑल ओवर, किधर से कॉल करेगा तो हम लोग कोरियर करके देता है। अगर आपने भी बढ़िया से बनाना चिप्स खाने हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा केरला के बनाना चिप्स एक बार जरूर ट्राई कीजिए। 5 किलो इसकी प्राइस है 190 रुपीज़, इसका कि हाफ केजी का रहता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।